सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्जी में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपके फोन पे गिफ्ट कार्ड में पैसा है, दोस्तों आपके फोन पे वॉलेट में पैसा है, तो दोस्तों उस पैसे का आप यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उनके फोन पे गिफ्ट कार्ड में पैसा है, उनके फोन पे वॉलेट में पैसा है, उस पैसे का यूज नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपके फोन पे गिफ्ट कार्ड में पैसा पड़ा हुआ है तो दोस्तों उस पैसे को आप यूज कैसे करेंगे, दोस्तों आप उसको खर्च कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव करके बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि गाइस जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों आपके फोन पे गिफ्ट कार्ड में आपका जो बैलेंस है उसको आप किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को ओपन करना। ओपन करने के बाद में आपको यहां पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगर आपके फोन में फोन पे ऐप है तो आपको ओपन करना है। अगर दोस्तों आपके फोन में फोन पे ऐप नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके दोस्तों आपको अपने फोन में फोन पे ऐप को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहां से दोस्तों आपको अपने फोन पे ऐप को यहां से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने फोन पे ऐप को प्रॉपर इस तरीके से ओपन कर लेंगे। जब दोस्तों अपने फोन पे ऐप को प्रॉपर इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो हम हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमको जितना भी कैशबैक मिला, जितना भी पैसा मिला है दोस्तों मेरे फोन पे गिफ्ट कार्ड में जितना भी पैसा मिला है इस तरीके से हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों अगर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो अपने बैंक अकाउंट को आप यहां से ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमसे क्या करेंगे, वैक आएंगे। वैक आने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना। नीचे आने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे नीचे दोस्तों एक ऑप्शन हो जाएगा, फोन पे वॉलेट, फोन पे वॉलेट पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपके फोन पे वॉलेट में पैसा होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आपके फोन पे वॉलेट में पैसा नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको फोन पे गिफ्ट कार्ड पे इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों हम जैसे फोन पे गिफ्ट कार्ड पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो मेरे फोन पे गिफ्ट कार्ड में दोस्तों यहाँ पे 1700 रुपए यहाँ पे है। दोस्तों अगर इस पैसे को हम यूज करना चाह रहे हैं तो इजिली इस पैसे का हम यूज कर सकते हैं। तो आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको वैक आना। वैक आने के बाद में आपको पे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों अगर आप यूपीआई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपने जिस फ्रेंड के पास इस तरीके से पैसा भेजना चाह रहे हैं इस तरीके से आपको चूज करना। चूज करने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों इस तरीके से अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। जैसे दोस्तों इस तरीके से हम 100 रुपीज इस तरीके से डाल देंगे और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फोन पे गिफ्ट कार्ड का जो पैसा दोस्तों यूज करने का जो ऑप्शन है नहीं आ रहा है, मतलब दोस्तों अगर किसी बंदे के पास अगर आप पैसा भेजेंगे फोन पे गिफ्ट कार्ड या फोन पे वॉलेट का पैसा भेजेंगे तो आपका पैसा उस बंदे के पास नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर अपने फोन पे ऐप के थ्रू दोस्तों अगर आप बिजनेस क्यूआर कोड पे अगर आप पैसा भेजेंगे तो बिजनेस क्यूआर कोड पे आपको जो पैसा है दोस्तों इजीली चल जाएगा। जैसे दोस्तों हमसे क्या करेंगे, दोस्तों मेरे पास एक यहां पे दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे, बैक आएंगे और स्कैनर क्यूआर कोड पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोस्तों मेरे फोन में इस तरीके से क्यूआर कोड है तो इस तरीके से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में इस तरीके से अमाउंट डालने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, तो इस तरीके से हम अमाउंट डालेंगे और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों पेमेंट करने का जो ऑप्शन इस तरीके से आ चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब दोस्तों अगर अपने मर्चेंट क्यूआर कोड पे अगर आप पैसा भेजेंगे तो इजीली दोस्तों आपके फोन पे गिफ्ट कार्ड का जो पैसा है दोस्तों आपके मर्चेंट क्यूआर कोड पे इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप मोबाइल रिचार्ज करना चाह रहे हैं तो आपको मोबाइल नंबर पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अब आपको इस तरीके से अपने जिस नंबर पर आप रिचार्ज करना चाह रहे हैं इस तरीके से चूज करना। चूज करने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से दोस्तों आपके फोन पे गिफ्ट कार्ड का जो पैसा दोस्तों यहाँ पे यूज करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। पेमेंट करने का ऑप्शन इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, मतलब दोस्तों अगर आप अपने फोन पे मर्चेंट क्यूआर कोड पे क्यूआर कोड स्कैन करके अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो वहां पे आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, या दोस्तों अगर आप इससे मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो आपका मोबाइल रिचार्ज इस तरीके से हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड का पैसा आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।